नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। और अभी एनटीपीसी की एक और बहुत बेहतरीन वीडियो जिसका आपको इंतजार था, जिसका आपको बहुत ज्यादा डिमांड था कि सर स्टेशन मास्टर वाले बच्चों के लिए बता दीजिए कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस या कौन सा आपका जो जोन सिलेक्शन है वो बेस्ट रहेगा। नो डाउट यहाँ पे आपके लिए बहुत बेहतरीन सेशन लेके आया हूं और ये वीडियो आपके लिए देखने के लिए इतना जरूरी है क्योंकि आप समझिए बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि स्टेशन मास्टर जो है इसमें कॉम्पिटिशन बहुत हद तक कम हो जाता है, कट ऑफ ऑलरेडी कम जाता है और इसमें जोन सिलेक्शन का पूरा रेशियो पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। तो बहुत इत्मीनान से बहुत ध्यान से अगर आप अगला 10-15 मिनट इन्वेस्ट कर देंगे, 10-15 मिनट अगर ये वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जोन सिलेक्शन में सबसे बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और ये डिसीजन आपको आपके सिलेक्शन तक अवश्य पहुंचाएगा, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपकी स्टेशन मास्टर का सेफ जोन जिसमें पैसा, जिम्मेदारी, भौकाल और सबसे बड़ी बात है इसकी कट ऑफ। और जो मैं एनालिसिस लेके आया हूं इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो पॉइंट जो डायमेंशन से मैं सोच के और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा शायद ही कोई ऐसा हो जो आपको ये बता पाएगा और इसके बाद आपको कोई दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये आपको अपने बड़े भाई पे थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। आते हैं हम लोग, ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे कि आपके फॉर्म चालू हैं और ये भी कितने पोस्ट आ रहे हैं ये भी जानते होंगे। आते हैं हम लोग स्टेशन मास्टर के बारे में बात करेंगे। स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जॉब है, 35,400 इसकी इनिशियल पे है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इस बात को ध्यान दीजिएगा कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिजिकली फिट तो आपको ऑल रिस्पेक्ट में होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि विजुअल जो एक्यूटी होती है थोड़ी टफ होती है। हालांकि ये बात सही अच्छी है कि 6x6 नहीं मांगे हैं, लेकिन 6x9 भी कम क्या होता है, कम नहीं होता है। ये फॉन्ट भी आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में दिक्कत करता है। सबसे बड़ी बात है विदाउट ग्लास, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चश्मा नहीं लगता है लेकिन जब वो टेस्ट कराने जाते हैं तो ये आभास होता है कि उन्हें 6x9 तो दिक्कत हो रही है और दोनों आंखें 6x9 की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6x9 दोनों आंखों का होना चाहिए और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, मतलब बिना किसी ग्लास के। आप किसी और पोस्ट पे देखोगे तो वहां पे आपका क्या है, इतना टफ आपका जो विजन बोल सकते हो एक्यूटी इतना टफ नहीं है बट यहाँ पे टफ है। साथ में आपका फॉगिंग टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नियर विजन आपका क्या होगा, नियर विजन 0.6 है और ये विदाउट ग्लास होना चाहिए, बाकी जगह पे विदाउट ग्लास बोलते हैं। यहाँ पे देखोगे तो आपको कलर विजन मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन आपको पास होना चाहिए, आंखें तिरछी नहीं देखनी चाहिए और साथ में मायोपिक विजन भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कारण से क्योंकि इसका मेडिकल A2 स्टैंडर्ड का होता है तो बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ पे जो जोन सिलेक्शन है वो थोड़ा अलग हो जाता है और बाकी बच्चों से कॉम्पिटिशन भी खत्म हो जाता है। आते हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि अगर 18 से 36 साल के तो आप इसका आवेदन कर सकते हो। हालांकि एनटीपीसी के सारे फॉर्म जो ग्रेजुएशन पोस्ट के 18 से 36 और ग्रेजुएशन की डिग्री हो बस, इससे कुछ आपको चाहिए नहीं। 994 में वैकेंसी स्टेशन मास्टर की ओवरऑल है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका अगर CBT 1 की बात किया जाए, यहाँ पे CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और CBT 1 में अगर बात करें यहाँ पे कितना होगा, 90 मिनट में होना चाहिए, 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा और मेंस में आपके 20 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। हालांकि ये सारी चीजें आपका सेम रहेगा, बस ध्यान दीजिएगा कि CBT 2 वीक्स क्या होगा सबके लिए कॉमन रहेगा। पहले क्या होता था, स्टेशन मास्टर वाले बच्चों के लिए CBT 2 अलग होता था बट इस बार कॉमन कर दिए हैं और आपका जो फाइनल होता वो 70-30 के रेशियो में होगा, मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपका 70% CBT 2 बनेगी, 70% CBT 2 बनेगी और 30% आपका क्या बनेगा, साइको टेस्ट होगा। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक टेस्ट आपका साइको टेस्ट होता है जिसमें T-score 42 का लाना होता है, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका CBT 1 दोगे, CBT 2 दोगे, उसके बाद आपका CBT या साइको टेस्ट इसे बोल दो और मेडिकल होगा, मेडिकल में A2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा। इसमें पोस्टिंग कहां पे होती है इस बात को जल्दी जल्दी देख ले। इसमें पोस्टिंग आपको तीनों कैटेगरी सिटी में XYZ में होती है। जॉब प्रोफाइल आपको स्टेशन पे होता है एज अ इनिशियल में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होंगे जिसमें आपको 8 से 12 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ सकती है, साथ में आपको नाइट शिफ्ट भी रहेगा और आपकी शिफ्ट जॉब 3 शिफ्ट में लगती है, 6 से सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात के 10 बजे तक और रात के 10 से सुबह फिर 6 बजे तक 3 शिफ्ट में आपकी जॉब होती है।
वीकली ऑफ तो होता है, एक ऑफ मिलेगा, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है कि आपको संडे को मिलेगा कि आपको मंडे को मिलेगा कि ट्यूसडे को मिलेगा। तो आपका जैसा रोस्टर रहता है, जैसा आपका टाइम शेड्यूलिंग रहता है, उस हिसाब से आपको वीक में कोई भी दिन आपको मिल सकता है। और यही कारण है इस जॉब को टफ बनाता है, क्योंकि जब आपको नाइट शिफ्ट करना होता है, जब आपको क्या करना होता है, जब आपको ओवर टाइम करना होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नहीं पता है कि कौन से दिन में आपका वीकली ऑफ होने वाला है। आपकी पूरी स्लीप साइकिल गड़बड़ होती है, आपका डेली रूटीन गड़बड़ होता है, और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम में हेल्थ को बहुत बड़ा इश्यू बनाता है। साथ में स्टेशन मास्टर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है, क्योंकि स्टेशन मास्टर एक स्टेशन का मुखिया होता है, उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। अगर मैं जिम्मेदारी की बात करूंगा कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, तो कंप्लीट स्टेशन जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक स्टेशन मास्टर का होता है। कोई एम्प्लॉई है, नीचे का सीआरए वगैरह है, उन सबका क्या होता है, उन सबका जो रोस्टर बनाना होगा वो रोस्टर भी स्टेशन मास्टर बनाएगा। सबको क्या कैसे करना है वो स्टेशन मास्टर बताएगा। ट्रेन कौन सी कहां आ रही है, कहां जा रही है, इनका भी ब्यौरा किसके पास रहता है, स्टेशन मास्टर के पास रहता है। अगर स्टेशन पे कोई बोल सकते हो एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी कैजुअलिटी हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेशन मास्टर की होती है। स्टेशन पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, बारिश हो रही है, पानी भर गया है, उस पानी को निकलवाना है, कोई रेस्क्यू प्रोग्राम है, किसकी प्रॉब्लम है, आपके स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी है। तो अल्टीमेटली जिम्मेदारियों से घिरा हुआ एक पोस्ट है, रोस्टर बनाना होता है सबसे। उसके बाद स्टेशन पे इनकम कैसे हो रही है, जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे स्टेशन पे एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ आना जाना हुआ, पार्सल हुआ, हर चीज हुआ, तो ये कितनी इनकम इनसे हो रही है, उसका भी ब्यौरा कहीं ना कहीं स्टेशन मास्टर को रखना होता है, और आगे फॉरवर्ड भी करना होता है, तमाम चीजों का सुपरविजन करना होता है। किसी पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके समस्याओं को निवारण करना भी उसे काम होता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं इस जॉब को टफ बनाता है। हालांकि प्रमोशन आप सीनियर डीओएम लेवल के होते हो, जिसमें सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर होता है, बहुत अच्छी पद तक होता है, लेकिन आपका एक एक स्टेप बढ़ने में छह सात साल लग जाता है। तो आप एएसएम जब बनोगे, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इसके ऊपर आप क्या बनोगे, स्टेशन मास्टर, इसके बाद आप क्या बनोगे, फिर असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर बनोगे, उसके बाद फिर आप डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर बनोगे, और उसके बाद सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर बनोगे। तो ये आपका यहां पे जाके बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके डीओएम तक आते आते रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनकी कम उम्र में नौकरी लग जाती है, 18 से 20 साल में लग जाते हैं, 20-22 साल में, तो आप सीनियर डीओएम तक भी पहुंच सकते हो। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो सैलरी, इसका सबसे बड़ी बात है कि सैलरी बहुत अच्छी होती है और तमाम अलाउंसेस इसमें मिलते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर की बात किया जाए तो स्टेशन मास्टर में अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस की बात किया जाए तो इसमें किलोमीटर अलाउंस तो नहीं होता है जैसे आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर है, लेकिन ट्रेवलिंग अलाउंस अगर किसी काम से किसी रेलवे बोर्ड के किसी काम से अगर आप जाते हो तो आपको उसके लिए ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। सिल अलाउंस नहीं मिलता है, लीव अलाउंस भी आपको मिलता है। लीव अलाउंस जैसे अगर क्या हो रहा है कि सपोज करो कोई नेशनल हॉलीडे है और उसमें आप ड्यूटी कर लो तो उसका अतिरिक्त पैसा आपको मिलता है। साथ में नाइट ड्यूटी अलाउंसेस भी आपको मिलता है और आपको जो ड्रेस अलाउंसेस है 12,000 एनुअली आपको मिलता है। इसमें ग्रॉस जो बनता है ये एक्स वाई जेड सिटीज के हिसाब से बनता है। कैसे, आप बेसिक पे देखोगे तो 35,400 है जैसे आपका सीसीटीएस वाला है, इसके बाद आपका डीए 17,700 है, इसमें एचआरए 30%, 20%, 10% के हिसाब से लगता है अलग अलग सिटीज पे, एक्स वाई जेड सिटीज में। अगर एक्स सिटीज में पोस्टिंग होगी तो 10,260 बनेगा, वाई में 7,080, और अगर आपका जेड में होगा तो 3,540। ट्रेन अलाउंसेस आपको मिलता है एक्स वाई जेड सिटी में कितना, 5,400 से लेकर 2,700, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ये एक्स और वाई सिटी में होता है, वाई जेड में 2,700 मिलता है और एक्स में आपको 5,400 मिलता है। इसके बाद बाकी अलाउंसेस को अगर आप जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी एक्स सिटी में 80,000, वाई सिटी में 74,000 और जेड सिटी में 70,000 मिलता है। लेकिन अगर इसमें डिडक्शन देख लिया जाए, जैसे आपका एनपीएस वगैरह कटता है तो डिडक्शन के बाद आपका क्या होता है, 76,000 एक्सटी में, मतलब कि 76,000 एक अच्छा खासा आपको सैलरी मिलता है। अब आपको यह लग रहा होगा कि जो आपका लेवल 6 और लेवल 6 में स्टेशन मास्टर, यही कारण है कि लेवल 6 में आपका दोनों सेम कैटेगरी की जॉब है, बट लेवल 6 में आपकी 64,000 सैलरी बन रही है, वही पर अगर आप स्टेशन मास्टर का देखेंगे तो 76,000 सैलरी मिल रही है, और ये बहुत अच्छी सैलरी होती है जब आप इनिशियल में एक ग्रेजुएशन लेवल पे ज्वाइन करके जाते हो। तो क्यों मिलती है, क्योंकि भाई आपकी परीक्षा ही टफ है, आपको साइको देना है, आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा है, आपको अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं, दैट्स व्हाई आपका पक्स क्या होता है, बढ़ जाता है, सैलरी बढ़ जाती है, और ये बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन का कारण बनता है कि चलो यार थोड़ा सा मेहनत ही तो करना है, ईमानदारी से काम कर लेंगे, थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, लेबर कर लेंगे, थोड़ा सा हम मेहनत कर लेंगे, लेकिन कम से कम 10-15,000 ज्यादा दे पाएंगे, और इसमें आपका सीसीटीएस से बेहतर बढ़ाता है स्टेशन मास्टर को। तो अगर आपको आराम की जॉब चाहिए, भौकाल चाहिए, तो आप सीसीटीएस, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए उसी लेवल का चाहिए, उसी तरीके से रेपुटेशन चाहिए और थोड़ा सा
अपना वर्कलोड आप सह सकते हो तो आप स्टेशन मास्टर पे जा सकते हो। लेकिन क्या लड़कियों के लिए ये जॉब अच्छी है? लड़कियों के लिए मैं खासकर बता दूं, नाइट शिफ्ट है तो यहाँ पे दिक्कत होती है, आगे चल के जब शादी विवाह सारी चीजें होंगी, जिम्मेदारियां होंगी तो समस्या आती है। साथ में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत ज्यादा आपका माथा पच्ची है, तो एक जो लड़की होती है मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी अपने घर के काम में क्या होती है, आज भी भारत कितना भी आगे है लेकिन जब एक लड़की होती है वो घर के चीजों को खुद ही संभालती है, चाहे किचन हो, चाहे घर हो, चाहे घर के परिवार हो, उन सबको संभालती लड़की है, तो एक घर की जिम्मेदारी है ऊपर से काम की भी जिम्मेदारी, दोनों से वो हो जाएगी बहुत परेशान। तो इसलिए मैं उतना फेवर नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि अब 10-12 हजार कम पाओ, सेम लेवल पे आप सीसीटीवी का है तो वो ज्यादा बेटर जॉब है। स्टेशन मास्टर लड़कियों के लिए इतनी बेहतर जॉब नहीं है, लेकिन बाकी नीचों में गुड्स ट्रेन मैनेजर को हटा दिया जाए तो बाकी नीचों से किया जाए तो एक ज्यादा रेपुटेशन वाली जॉब है, तो लेवल 6 उस हिसाब से ज्यादा जॉब है। अगर किसी लड़की को लगता है नहीं यार ये सब अलग चीज है, मेरे यहाँ फैमिली में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो हस्बैंड है ये भी सब कुछ संभाल लेगा या हम ऐसे शादी करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, तब आप स्टेशन मास्टर पे जा सकते हो, अगर आप चैलेंजेस ले सकते हो तब की बात है। फैसिलिटीज आपको क्या मिलती है, फैसिलिटीज में आपको रेलवे क्वार्टर टाइप 3 के मिलेंगे, रेलवे हॉस्पिटल, चाइल्ड एजुकेशन, रेलवे पास, ये सारी चीजें आपको फैसिलिटीज मिलती रहती है। आते हैं हम लोग कि स्टेशन मास्टर के लिए क्या आपके लिए बेहतर जोन हो सकता है। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि आपकी वैकेंसी वाइज कितने पोस्ट किस जोन में कितना है, बहुत बेहतर आपका बोल सकते हो कि टेबुलेशन करके। साथ में मैंने आपका कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज मैंने टेबुलेशन कर दिया, और इसके साथ ही मैंने एक आपका कि अगर आप किसी पर्टिकुलर राज्य से हो तो आपको कौन कौन से जोन बेहतर है आप उससे फॉर्म भर सकते हो, कौन कौन सा आपका सेफ जोन है वहां पे फॉर्म भर सकते हो, ये भी टैबुलेशन करके वीडियो बना दिया हूं, जिसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इतने से देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात केवल करेंगे क्या, बात करेंगे कि स्टेशन मास्टर के लिए आपके लिए सेफ जोन कौन सा होना चाहिए। तो सेफ जोन चुनने के लिए सबसे बड़ी बात नौकरी की प्राथमिकता, कि आपके लिए नौकरी ही सबसे ज्यादा जरूरी है, आप किसी भी जोन में चले जाओ आपसे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज होता है कि पसंदीदा पोस्ट अनुसार जोन, आपको स्टेशन मास्टर ही चाहिए, आपको कुछ और नहीं चाहिए, तब आपके लिए जोन का हो सकता है कि प्रायोरिटीज बदल जाए, क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग क्या है, स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज है, कुल पद कितने हैं यह भी डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर जोन में, प्रीवियस कट ऑफ कहां पे गई है। अगर कट ऑफ की चर्चा यहां पे मैं एक मिनट में अगर कर लूं तो आपके स्टेशन मास्टर की कट ऑफ बाकी पोस्टों से कम जाती है थोड़ी बहुत, लेवल 6 में यही ऐसा है जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं सीसीटीएस से या ट्रिपल सीटीएस आप बोल दो, चीफ कमर्शियल कम आप बोल दो या सीसीटीएस, दोनों ही नाम प्रचलित है, अगर इससे कंपेयर करें तो इसकी कट ऑफ बहुत जाती है। कारण क्या है, इसमें ना ही टाइपिंग है ना ही साइको है, दूसरा कारण क्या है, इसका मेडिकल आसान है, तीसरा कारण क्या है, आरामदायक जॉब है, तो हर बच्चे की या लड़कियां या लड़के को पहली पसंद ट्रिपल सी टीएस आता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग स्टेशन मास्टर की बात करें तो एक साइको टेस्ट इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा फेज होता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, विजन जो एक्टिविटी है ये टेस्ट थोड़ा हार्ड होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे पहले छट जाते हैं, और तीसरी बात बहुत सारे बच्चे पसंद भी नहीं करते क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, खासकर लड़कियां नहीं पसंद करती है, इस कारण से इसका कट ऑफ इस पद से थोड़ा सा कम जाएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, घर से दूरी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, परिवार की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं जोन सिलेक्शन में ध्यान देना चाहिए कि भाई आप परिवार के ऐसे सदस्य हो कि आपके माँ बाप भाई बहन की आपके कंधों पे है, तो फिर आपको परिवार पे रहकर आपको जॉब करनी होगी। ऐसे में आप अपने घर के पास का जून चूज करोगे और ऐसे जून चूज करोगे जहां पे हम घर के पास रहकर आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो कौन सा ऐसा जून चूज करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये बात कौन बताएगा, ये बात बताएगा ये टेबल। जैसे एक बार हम स्टेशन मास्टर के पद पर नजर डालें तो कोलकाता में 68 ही पद है। देखो आप यहां पे ध्यान दोगे, यही बच्चा ध्यान नहीं देता कि आखिर कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है लेकिन स्टेशन मास्टर ही आपको चाहिए, तब तो केवल 68 पोस्ट है। एंड आई थिंक अगर पोस्ट प्रेफरेंस में आप कोलकाता, पहले कोलकाता जोन चूज कर लेते हो, पोस्ट प्रेफरेंस में स्टेशन मास्टर डालते हो तो आपको बहुत ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा तब जाके आपको स्टेशन मास्टर मिलेगा, वरना आपको दूसरी तीसरी चौथी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, स्टेशन मास्टर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे स्टेशन मास्टर ही चाहिए, तो आप केवल इस टेबल पर डिपेंड नहीं रह सकते। फिर मैं आपको समझाता हूं आपको करना क्या है। आपको करना यह है भाई मेरे कि आते हैं सबसे पहले हम इस इंडिया के मैप को देखते हैं, और फॉर स्टेशन मास्टर मैंने पहले बता रखा है कि आपको क्या होना है, गुवाहाटी जोन आपके लिए सबसे बेहतर जोन है। क्यों बेहतर जोन है,
सबसे पहली बात अगर हम गुवाहाटी का लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे गुवाहाटी का लोकेशन है, ये कहां पे आ रहा है, ये भारत का एकदम पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर राज्य है, मतलब कि बिल्कुल आपका ईस्टर्न स्टेट है। और इसमें पूर्वोत्तर होने की वजह से यहाँ पे जो प्लेन एरिया के बच्चे होते हैं या जो जनरल एरिया के बच्चे होते हैं ये यहाँ पे नहीं जाना चाहते, पहाड़ियों में नहीं जाना चाहते उनके एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म का आवेदन थोड़ा सा कम होता है। दूसरी बात, अगर आप वैकेंसी चार्ट पे नजर डालोगे तो गुवाहाटी में इस बार बहुत अच्छा पद है, 516 पद कम नहीं होते। और दूसरी बात, अगर स्टेशन मास्टर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेशन मास्टर का पद 994 में से 271 केवल गुवाहाटी में। तो सोचो अगर आपको स्टेशन मास्टर कंफर्म चाहिए तो गुवाहाटी ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया सब लोग अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ऑलरेडी बोल सकते हो कि फॉर्म कम अप्लाई होंगे, परसेंट कॉम्पिटिशन कम होगा। दूसरी बात, गुवाहाटी ज्योग्राफिकल रीजन के कारण वहां पे बच्चा नहीं जाता है। तीसरी बात, स्टेशन मास्टर में आपका विजन एक्विटी टफ है, आपका क्या है वहां पर बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, तीसरी स्टेज होता है सीबीएटी साइको टेस्ट होता है, तो बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे, जिसकी वजह से गुवाहाटी जोन सबसे सेफेस्ट जोन में जा रहा है और सबसे बेहतर जोन बन रहा है स्टेशन मास्टर वाले बच्चों के लिए। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि दूसरा देखोगे तो बेंगलुरु, आप देखोगे कि मुंबई की देखोगे तो वैकेंसी ज्यादा है लेकिन बेंगलुरु आपका कम है, बट मैंने दूसरे नंबर पे बेंगलुरु रखा है। क्यों? क्योंकि जब कोलकाता नजर में नहीं आया तो फिर स्टेशन मास्टर वाले बच्चों के लिए पहली पसंद क्या बनेगी, मुंबई बनेगी, जिसकी वजह से मुंबई में ऑटोमेटिकली फॉर्म पर सीट कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मूव करने वाले कौन जाते हैं, जो सबसे ज्यादा डेस्परेट होते हैं सिलेक्शन के लिए, जिन्हें साम दाम दंड भेद सब लगा के नौकरी लेनी होती है, और वही अल्टीमेटली कट ऑफ भी बढ़ाते हैं। यहां जाता कौन है, बिहार का बच्चा, उत्तर प्रदेश का बच्चा, मध्य प्रदेश का बच्चा, और कौन जाता है, और जाता है राजस्थान का बच्चा। अगर भारत से इन चार राज्यों को निकाल दिया जाए तो शायद सरकारी नौकरी का कॉम्पिटिशन ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरेगा, सत्यता यही है। और यही चार बच्चे इस पूरे कॉम्पिटिशन लेवल को 80-85-90% के कट ऑफ तक छुआ देते हैं, और ये आप नहीं विश्वास पड़ता है तो आप कट ऑफ की यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट लगा रखा है, एक-एक जोन का अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। बट कट ऑफ देखने से पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो बच्चा भी अभी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है और करना चाह रहा है, कोर्स खरीदना चाह रहा है, तो टीम परीक्षा प्लस मात्र 199 में आपको सारी लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे क्लास नोट्स, आपको सारे बुकलेट नोट्स, सारे ईबुक जो आप इधर उधर ढूंढते रहते हो 700-800-900 रुपए में, वो सब 10-10-20-30 रुपए में आपको परीक्षा प्लस ऐप पे मिल जाएगा। साथ में ही आपको यहाँ पे पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, पूरी एक्सपर्ट टीम, एक इंजीनियर्स की टीम, बहुत बेहतर टीम आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो आपको बहुत बेहतर तैयारी कराने वाली है। साथ में आपके ये बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस बैच में उड़ते हो तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा, कोई ऐसा स्टेप नहीं रहेगा जो आपके सिलेक्शन से आपको दूर कर दे, आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में आपके ये पूरी टीम परीक्षा प्लस आपकी पूरी सहयोग करेगी। या परीक्षा प्लस ऐप पे जाके आप पेड कोर्स में जाके इसे परचेज कर सकते हो, पेड कोर्स में जाओगे एनटीपीसी 2.0 और रिकॉर्ड ये पूरा जाओगे तो पूरा आपका ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको सारी चीज मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे आपके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड क्लास करना चाहते हो तो शाम को 6 बजे साइंस, 7 बजे जीकेजीएस, 8 बजे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास चलती है, इसे आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। मैं बात कर रहा था आपके कट ऑफ की, तो यहाँ पे कट ऑफ अगर आप देखोगे तो कट ऑफ हर जोन का मैं लेके आया हूं। और पिछले अगर बात करोगे तो पिछली वैकेंसीज में एक नजर डाल लेते हैं, जैसे ये अजमेर है, अजमेर में लेवल 6 का अगर देखा जाए तो पिछली बार क्या था, लेवल 6 का एक पेपर अलग, लेवल 6 का एक साथ पेपर हुआ था, लेकिन तब लेवल 6 का कट ऑफ कारण बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे आपके और भी लेवल 6 वाले पोस्ट थे। इस बार लेवल 6 में आपके क्या होंगे, इस बार लेवल 6 में आपका कॉमन पेपर होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेशन मास्टर वाला पोस्ट है उसका एक स्टेज और होगा, तो बाकी जो बच्चे हैं जैसे सीसीटीएस वाले हो गए या और भी बच्चे हो गए वो पहले ही छट जाएंगे, तो फाइनली आपका कट ऑफ क्या आएगा, थोड़ा सा डाउन आएगा। तो वैसे तो बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन इसमें कट ऑफ मान के चलो पिछली बार से अगर पेपर सेम लेवल का आया जैसे पिछली बार आया था तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3-4 नंबर आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर बोलो 3-4 नंबर कम जाएगा, मतलब 75-80 के बीच में आप इसे अज्यूम कर सकते हो, बट फिर भी कट ऑफ को पहले ही अज्यूम करके चलना ठीक रही है, मैं आपको इस बात को बताऊंगा। अब आते हैं हम लोग, जैसे मैंने बोला कि दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि मुंबई की जगह पे आपको क्या करना है, मुंबई की जगह पे आप कौन सा जोन चूज करो, आप बेंगलुरु चूज करो। स्टेशन मास्टर के लिए मैंने क्या बोला कि बेंगलुरु आपके दूसरा सबसे सही रहेगा। कारण क्या है, अगर आप बेंगलुरु को एक बार ध्यान से देखोगे, अगर बेंगलुरु को ध्यान से देखते हैं तो ये बेंगलुरु है, ये बहुत नीचे नहीं है टोटल 496, लेकिन स्टेशन मास्टर का 196 मुंबई में, इसके जस्ट बाद कौन सा है, 116 स्टेशन मास्टर बेंगलुरु में है। तो फिर से
बेंगलुरु का अगर हम लोग बात करेंगे, इसका अगर पोजीशन देखोगे तो इसका फिर से ज्योग्राफिकल जो आपका आता है ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से, ये फिर से भारत का बच्चा क्या होता है, पूरे भारत का बच्चा साउथ इंडिया में नहीं आना चाहता है, जिसके कारण से ये जोन थोड़ा सा सेफ रह जाता है। यहाँ पे वही बच्चा आता है जिसके लिए नौकरी प्राथमिकता होती है, जिसके लिए परिवार, जिसके लिए घर, जिसके लिए दूरी, जिसके लिए बाकी चीजें प्राथमिकता होती है, वो यहाँ पे नहीं आना चाहता है, दैट्स व्हाई। जबकि मुंबई एक ऐसा जोन है कि भारत का हर कोने का बच्चा का सपना होता है कि मुंबई चलो एक बार घूम आते हैं, वो इसी बहाने मुंबई चला जाता है, चलो यार एक बार मुंबई नगरिया देख लेंगे क्या जाता है। मुंबई तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, इंडिया का सबसे बड़ा बोल सकते हो स्टेट ऑफ सिटी माना जाता है, तो इस कारण से मुंबई में जोन बढ़ेगा, मुंबई को मैंने तीसरे पे किया है। अब चौथे पे आपका आता है बिलासपुर, बिलासपुर में भी ठीक ठाक वैकेंसी, अगर आप बिलासपुर पे भी नजर डालोगे तो बिलासपुर भी आपका क्या है, यहाँ पे 649 वैकेंसी ओवरऑल है, और अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टेशन मास्टर की तो 81 है, बाकी से तो ज्यादा ही है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, बात करेंगे अहमदाबाद की, पांचवे पे मैंने अहमदाबाद बोला है जो 71 है। तो ये आपका क्या है ओवरऑल, मतलब बिना कैटेगरी के, अगर आप कैटेगरी वाइज भी बोलते हो तो सर मैं इस कैटेगरी का हूं, मैं कहां से डालू, मैं इस जोन का हूं कहां से डालू, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी, आप उसे देख लीजिए। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि आप देखोगे जिस जोन में आप अप्लाई कर रहे हो, उस जोन में अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि आपके कैटेगरी में कहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, पता लगे आप किसी ऐसे जोन में अप्लाई किए जहां पे स्टेशन मास्टर की वैकेंसी ही ना हो, फिर तो आप क्या करोगे, फिर तो आपका वो जोन चूज करना बेकार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या बोला तो समझो, जैसे मेरे पास एक मालदा है, एक मुंबई है, और मुंबई का एग्जांपल ले लेते हैं। मुंबई में मान लीजिए चलो कि स्टेशन मास्टर का कोई बच्चा आना चाह रहा है, तो स्टेशन मास्टर को मुंबई में कितने हैं, 185, 9 और 2, काफी संख्या में पद है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाएंगे, बट अगर मालदा में देखेंगे तो स्टेशन मास्टर के कितने पद हैं, केवल 24-36 पद हैं, जिसमें से कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके पद आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग बात करेंगे जम्मू श्रीनगर में देखेंगे तो जम्मू श्रीनगर में स्टेशन मास्टर के आपके 10 हैं, लेकिन आप देखोगे AWS का केवल एक है, ST का केवल एक है, तो ये जोन थोड़ा सा खतरनाक बन जाता है। अब कोलकाता की बात कर लो, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला जोन है, लेकिन कोलकाता में आपका केवल कितना अगर देखेंगे तो 68 है, जिसमें से अगर हम ST की बात करें केवल 6 पद है, ST का केवल 5 पद है, OBC या AWS का केवल 6 पद है। तो इस कारण से क्या होता है, ये इस जोन का चूज करना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि भाई उस जोन को चूज ही मत करिए जहां पे आपके कम है सीटें। जैसे कोई बच्चा अगर गोरखपुर जाना चाहता है तो गोरखपुर में तो स्टेशन मास्टर की सीट भी नहीं है एक भी, तो गोरखपुर आप जोन कैसे चूज कर सकते हो, नहीं चूज करोगे, इस कारण से आप गोरखपुर फिल्टर कर दोगे। समझ में आ गया? तो आपको अपनी कैटेगरी भी देखना है, आपको अपना जोन भी देखना है, आपको अपना शहर भी देखना है, स्टेट भी देखना है, सारी चीजें देखना है। मेरी सारी वीडियो जो कम से मैंने बनाई है, सारी वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक बात समझिएगा, अगर आपको स्टेशन मास्टर पे जाना है तो स्टेशन मास्टर के लिए जो मैंने आपको बताया है, ये शायद आपके लिए क्या है, आपके लिए बेस्ट जोन हो सकता है, आपको इसी जोन के आधार पे फॉर्म का आवेदन करना है। लेकिन ओवरऑल आप देखना चाहते हो तो मैंने ओवरऑल का भी बताया है, इसकी वीडियो भी मैंने बताई है। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए देखोगे तो मैं अभी ट्रिपल सीटीएस का बता दिया, अब मैं बुक्स ट्रेड मैनेजर का और स्टेशन मास्टर का यहाँ पे तो है ही है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, सारी जॉब प्रोफाइल भी बताने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि इससे आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है स्टेशन मास्टर से संबंधित कि सर हम इस शहर से, इस स्टेट से, मेरी ये कैटेगरी मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ डालें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, आपकी कमेंट का रिप्लाई में बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि निर्धारित समय के अंदर कर दूं। समय आपके पास है भी फॉर्म भरने का, बहुत जल्दबाजी मत करिए, 1-2 दिन समय मुझे दे दीजिए, सारे डाउट छोटी छोटी वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। बस आप सारी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो एक भी डाउट आपका रह नहीं जाएगा। बाकी आप परीक्षा प्लस पे, आप अपने बड़े भाई पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो, इतना विश्वास करते हो, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार। लाखों बच्चे होंगे तैयारी करने वाले, जिनमें से आप अगर परीक्षा प्लस से जुड़ते हो तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी आपके मंजिल तक पहुंचाने में कोई भी कसर छोड़ा ना जाए। और ऐसे सैकड़ों भाइयों को मैं फिर से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने टीम से जुड़ के, उन्होंने कोर्स से जुड़ के एक बार अपना विश्वास फिर से दिखाया है, और मैं आपके विश्वास का कद्र करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आपके राह आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके सारी जो मेहनत है, जो हमसे हो सकता है, वो सारी मेहनत करेंगे और अपने साथ साथ आपको भी मेहनत करवाएंगे। आपको भी वादा करना पड़ेगा, हाँ सर जितना आप बोलेंगे उतना मेहनत करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका सिलेक्शन अवश्य करवाएंगे। इसी के साथ इस सेशन को मैं एंड करूंगा, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और परीक्षा प्लस ऐप पे जाके कोर्स से अवश्य जुड़िए। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।